दुनिया में सबसे मीठा आवाज अगर किसी का होता है तो वो है उधार मांगने वालों का। हाँ भाई साहब, उधार मांगते समय मानो इनके मुंह से शहद टपकता हो। उधार मांगते समय इनकी आवाज इतनी सुरीली हो जाती है कि कोयल भी सुनकर शर्मा जाए। मांगते समय इनकी परेशानी सुनकर आप चाहकर भी मना नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि अगर आज मैंने इनको दिया उधार नहीं दिया तो मेरे सर के ऊपर एक बड़ा पाप चढ़ जाएगा। लेकिन भाई साहब, रुपया वापस मांगते वक्त आपको लगेगा कि आप बिना डिग्री के वकील बन गए हैं, और उधार लेने वाला बन जाता है बिना डिग्री का जज, और फिर उधार देने वाले को मिलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख के बहाने सुनकर आपको खुद वापस रुपया मांगने में शर्म आने लगेगा। लेकिन मजाल है कि उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी शर्म आ जाए, एकदम निर्लज इंसान बन जाता है। बात सही है। सबसे पहले आपको बोलेगा कि कल दे देंगे। अच्छा, जब आप उसको कल कॉल कीजिएगा तो बोलेगा परसों ले लेना। फिर उसके बाद फोन उठाना बंद हो जाएगा। बंद। फिर उसके बाद कभी फोन गलती से भी उठ गया तो बोलेगा भाई तुम्हारा रुपया लेकर भागे नहीं जा रहा हूँ, पैसा आने तो सबसे पहले तुम्हारा ही रुपया देंगे बीमा का। और फिर इंतजार कीजिए, जब उनका रुपया आएगा तब आपको अपना रुपया मिलेगा जो कि उनका कभी नहीं आता। नहीं, फिर इंतजार करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता इंसान के पास। ऐसे दोस्त को मेंशन करो भाई, जिन लोगों को आपने उधार दिया अब तक वापस नहीं आया।